800 भयंकर आउ कोइनो जिबेरा निस्तार लागि नन्द सुत करि भुवन प्रकाश पान गुरु करि साधारण जगत रे समस्त कर्म को संपादन करिया पई बा कर्म को क्रियाशील रे जेकोसी कार्य को प्रयोग हेले हमर गुरु आवश्यक है। प्रत्येक कर्म आम हम तो परवर्त समय तक गुरु बोले न मानि पारू कितु गुरु ही आम जेकोसी जिस शिक्षित हूँ जहाँ परिवार शिखु जमी प्रत्येक प्राणी प्रत्येक प्रत्येक जीवर प्रथम गुरु को जी मान ए जगत ये सारा संसार गुरु शिष्य चल गुरु शिष्य बिना ये संसार चल पारे कारण जी भी जहाँ भी करुच्छे कह तो किसी शिखी ना किसी शिखला पर ही सी करते तेणुक जे शिखे सी हूँ गुरु और जे शिखिले सी हूँ शिष्य तो से आम गुरु आश्रय नित्यांत आवश्यक से कहे आश्रय लइया भजे ताही प्रश्न ना दे आर सब मरे अकार जो मैंने गुरुदेव को आश्रय ने भजन करेंगे ये संसार अति सहज कर जीवन निस्तार लगी नंद सुत भरी भुवन प्रकाश पान गुरु करें केवल से जीवन निस्तार करें आम मानी आज कृष्ण जो करुणा शक्ति अति घनीभूत भई करुणा शक्ति घनीभूत भई से गुरु रूप गुरु रूप प्रकाश करीबेर निस्तार लगी नंद सुत भरी भुवन प्रकाश पान गुरु रूप बिना गुरु किसी कह से गुरु नित्यांत आवश्यक गुरुदेव बिना आम किसी काम करणसी कार्य सिद्धि हमार कौन कार्य जगत कौन कार्य सिद्धि पार साधारण गुरु व्यतीत जमी पाठ पढ़ा पिला जदि शिक्षक ग्रहण करूसन ना स्कूल नजे तार पढ़ा कौन भैलू न थाए कौन अर्थ न थाए तो ये साधारण जगत में जो कार्य को सिद्धि करने गुरु आवश्यक होती आम आध्यात्मिक क्षेत्र को आसवा तो से गुरु आवश्यक नित्यांत आवश्यक नित्यांत गुरु बिना कौन कार्य सिद्धि हम ना अनेक कथा शास्त्र तो कहती आम गीतारे कह अर्जुन जत पर्यत भगवान कहते शिष्य तो ग्रहण करना से भगवान किसी कह अर्जुन भगवान को बहुत किसी कथा कहे मोर हाथ धोची मोर ये मैं मोर निर्जन मुझे मारि मो पास दरकार सन्यास ग्रहण करजन केमी मारि तो जिते बड़े शेष कहे ना शिष्य से अहम साधि मान काम प्रबंध शेष कहे ये प्रभु मु तुम शिष्य आप मोर गुरु ये मत किसी मोर कर्तव्य मत कथा कहते से भगवान आरम्भ कले कथा से गुरु अत्यंत आवश्यक चैतन्य चैतन्य भागवत चैतन्य महाप्रभु भी शिक्षा दे चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही से पर्यत जगत ने ये हरिनाम ये जो कृष्ण प्रेम से प्रचार करना कृष्ण प्रेम से प्रचार करना से मन भावी से नित्यानंद प्रभु आसवे नित्यानंद प्रभु सहित साक्षात हम तापर ये जगत ने कृष्ण प्रेम का हरिनाम प्रचार हो सी यही है जब महाप्रभु सन्यास लेला सन्यास लीला सन्यास नहीं सारा कहते सुन सुन नित्यानंद सुन बढ़ी दास
सर्वत्र आमार आज्ञा करम प्रसाद तो महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही मध्य सबकि आसी गुरुदेव गुरु शक्ति ये जो गुरुतत्व कृष्ण ही आयं कृष्ण आज महाप्रभु आसापि सी जगत को शिक्षा देवाई सी कौन कहना गुरुतत्व पढ़े सी निजे गले से निजे प्रचार करें सी पढ़े नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर पढ़े जो घर घर जाए हरिनाम प्रकाश प्रचार कर आवल हरिनाम ही पूजा कर सब क्षेत्र में आम शास्त्र सब प्रत्येक क्षेत्र में देखा पाया गुरु 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 केवल गुरु ही ना आम कौन कार्य सिद्धि नहीं आश्रय 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 से नहीं कह आश्रय लोहिया भजे कृष्ण नहीं देते आशमय कारण आश्रय आमको अत्यंत आवश्यक छोट उदाहरण देवी मैं आम महाराज मैंने कहते जे कृष्ण जहाँ करते ना ता गुरुदेव गुरुदेव ना जमी सूर्य सूर्यर प्रचंड प्रखर तेज प्रचर प्रचुर प्रचंड खरारे के जगत में कौन सी घर पुड़े ना कि आज मैं कहीं देखी ना कहीं जाणी ना सूर्यर प्रचंड खरार प्रकोपे आज घर पड़ी पटा घर हो जेकोसी जो पोटा हो का हो सूर्य डायरेक्ट किरण के घर पड़े कि कौन जिन पड़ पारे सूर्य किरण में कौन जिनस पड़े कि कौन जिन खराब है कि सूर्य किरण को मध्यम कर एक चबकाच से सूर्य किरण को मध्यम कर एक चबकाच द्वारा जब रश्मिटा को गति कराए चबकाच द्वारा पोटा पड़ जाए तोला पड़ जाए सब किस पड़ जाए सब छाड़ जाए से सूर्यर अंश होगी अग्नि से अग्नि आज सारा संसार समस्त राशि को समस्त वस्तु को भस्म कर दिए तेणु सूर्य जपरी से तार अंश अग्नि सूर्य अंश ही जो कम कर स्वयं सूर्य से कम करें ठीक से भाया भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण करुणा घनीभूत रूप हो गुरुदेव क्योंकि कृष्ण ये जगत में आस डायरेक्ट से सीधा आस प्रेम प्रदान करना से सीधा ये जगत जीव उद्धार करना से मध्यम कले गुरुदेव को करुणा शक्ति घनीभूत कर गुरु स्वरूप पठे प्रेरण कले गुरुदेव आज कृष्ण जहाँ कर गुरुदेव आज कही देखते हजार हजार लक्ष लक्ष जरिए लक्ष लक्ष वर्ष धरी जो बद्ध शरीर बद्ध जीवन ये संसार को जाऊे आसूचे जाऊे आसूचे से जीव को आम भाया बापी आम भाया बिंदु आम भाया अतिकृष्ट जहाँ को भगवान के ग्रहण करेंगे ना कि जीव को गुरुदेव आज सज्जित कर सुंदर कर भगवान को पाठ पढ़ाते केवल गुरुदेव ही कही पार्टी कारण भगवान करुणार घनीभूत स्वरूप हूँ गुरुदेव से कहना आश्रय करे कृष्ण ना जे आश्रय ने कृष्ण के ଆମର ସେ ଗୁରୁଦେବ ଉଣେଇଶହ ଛପନ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ଆଜି ବି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ଠିକ୍ ଆଜିରୁ ଅଠଷଠି ବର୍ଷ ପରେ ଆଜିର ତିଥି ଆଜିର ତାରିଖ ପୁରା ସେମ୍ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ସମାନ ହେଇଛି କାରଣ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ମହାରାଜ ଜୀ ପ୍ରକଟ ହେଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ଦିନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ସେ 1956ରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଥିଲେ ଆଜି ତାଙ୍କର 68ତମ ଆବିର୍ଭାବ ତିଥି 1956ରେ ପ୍ରକଟ ହେଇ ଘରେ ଏକ ଅନେକ ବଡ଼ ବୈଷ୍ଣବ ପରିବାର ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ମଧ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ ସେ ସେଇଠି ପରିବାରରେ ବଡ଼ ହେଇ 1978ମସିହାରେ ଭକ୍ତିବ୍ରତ ଆଶ୍ରମ ସହିତ ସେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମାନେ ଆସିଲେ ଯିବା ଆସିବା କରିଥିଲେ ଭକ୍ତିବ୍ରତ ଆଶ୍ରମ ସେ ଆସୁଥିଲେ ଯାଉଥିଲେ ଯେମିତି ନୂଆ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ଯାଆନ୍ତି ତାପରେ 1979ମସିହାରେ ଭକ୍ତିମୟ ପୁରୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ଯିଏକି ଆମର କର୍ମ କରିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ସେ ହରିନାମ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ 1984ମସିହାରେ ଭକ୍ତି ଜୀବନ ଜନାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଠାରୁ
सन्यासी ग्रहण कले सन्यासी ग्रहण कलापर तर नाम रहा श्री शिल भक्ति विचार विश्व रोषी महाराज जी एवं 1995 मसीह से विदेश जात्रा कले अनेक प्रचार कर प्रसार अनेक प्रचार करके सेवा भी कर बहुत किसी लीला करीला अनंत सी भी अनंत लीला भी अनंत ब्रह्मचारी नाम थी अनंत कृष्ण ब्रह्मचारी दास ब्रह्मचारी से अनंत लीला भी अनंत तो सी 1995 मसीह विदेश जात्रा कर विदेश प्रचार कर आसुँ आज महाराज भी विदेश ही अच्छा भारत ना विदेश अच्छे विदेश जन्मदिन पालन कर एतिक मोर वाणी पुष्पाजलि गुरुदेव चरण में अर्पण कर विश्राम करणी विश्राम वाचा बलभद्र कृपा सिंधुपति सौभाग्य जी आश्चर्य ब्रजवासी वृंदावनवासी भक्त विष्णु महाराज जी का आविर्भाव तिथि है। ये तदाशन शिष्य के जीवन के एक विशेष तिथि गुरु जी का आविर्भाव गुरु जी का सेवा का अवसर ये सभी के जीवन में एक समान रूप से लाभ नहीं होता है किंतु गुरु जी की जो वास्तविक सेवा है तो गुरु जी की वाणी को अपने जीवन में ढालना ही उनकी वास्तविक सेवा है। गुरु कहने से गुरु शब्द अंधकार से गुरु शब्द का निरोध कर गुरु अंधकार निरोधित का गुरु नित्य विधि है। गुरु शब्द अंधकार का बोधक है और गुरु उसका निरोध का अर्थात जो जिसके द्वारा अंधकार का निरोध हो अंधकार हट जाए वही है गुरु। गुरु है क्या चीज है गुरु ज्ञान ही गुरु है सभ्य प्रकृति के जो प्रकाशक है जब ज्ञान ही गुरु है ज्ञान जहाँ है वहाँ गुरुत्व है जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ गुरुत्व नहीं। गुरु कहने का मतलब ये है ज्ञान मान लो कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो कुछ भी हो किंतु जब तक तुम बोलेंगे नहीं और उनकी वाणी को जब हम ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारा अंधकार दूर नहीं होता है। तो अंधकार दूर कब होता है हृदय से अंधकार का तिरोभाव तभी हो सकता है जब हम ज्ञान का ज्ञान को ग्रहण करेंगे ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे उतारेंगे। तो गुरु मेरे गुरु इसके गुरु उसके गुरु ये सब नहीं होता है। गुरु अर्थात भगवान की प्रतिनिधि भगवान का साक्षात प्रतिनिधि इसीलिए भगवान ने कह दिया देखो गुरु गुरु दो प्रकार के गुरु का हमारे यहाँ वर्णन मिलता है एक व्यष्टि गुरु एक समष्टि गुरु। समष्टि गुरु कौन है समष्टि गुरु स्वयं नित्यानंद प्रभु स्वयं परदेव प्रभु समष्टि गुरु है। समष्टि गुरु का जगत में कहीं किसी भी प्रकार से कोई पतन नहीं होता है किंतु व्यष्टि गुरु ये इसका पतन होता है। व्यष्टि गुरु का जो वाणी होता है उस वाणी को आचरण किया जाता है और उससे हमारा कल्याण भी होता है किंतु साथ साथ में हमें शास्त्र का भी आश्रय लेना होता है। यदि हम
देखते हैं संसार पे कि भैया गुरु तो कई प्रकार के लोग आजकल गुरु का काम कर रहे हैं। गुरु शब्द को बहुत हल्के में ले लिया है। गुरु किसी को भी गुरु के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। कोई थोड़ा बहुत तो एक्सरसाइज सिखा देता है उसको भी गुरु कहते हैं। कोई कोई बिजनेस कुछ रिपेयरिंग करना सिखा देते हैं उसको भी गुरु कहते हैं, वही हमारे गुरु है। तो गुरु शब्द शब्द का गुरु एक शिक्षक के रूप में वो गुरु शब्द का प्रयोग करते हैं, कुछ शिक्षा प्राप्त करी उससे। किंतु हमारे यहाँ जो गुरु शब्द प्रयोग होता है वो पारमार्थिक गुरु के विषय में प्रयोग होता है, सांसारिक विषयों के शिक्षक के रूप में इसका प्रयोग नहीं होता है। तो हमारे यहाँ पारमार्थिक गुरु का मतलब ये है कि भगवान की वाणी को एज इट इज बिना कोई गिरावट किए हम तक पहुँचाए और भगवान का प्रतिनिधित्व करें। जो भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं वही गुरु है और उन्हीं से गुरु है। जितनी मात्रा में वो भगवान का वाणी शुद्ध रूप से हमारे पास पहुँचाते हैं उतनी ही मात्रा में वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, उतना ही हमारे लिए ज्यादा उपकारी है। यदि किसी ने उसमें कहीं कुछ अपनी तरफ से मिलाया तो वहाँ पर सब गर्व हो गया। इसके गुरु जो है गुरु के लिए शास्त्रों के गुरु का भी व्यष्टि गुरु का और समष्टि गुरु है। जब इस प्रकार से विचार है कि समष्टि गुरु तो स्वयं भगवान है, व्यष्टि गुरु तो एक जीव, जब भगवान के चरणों में आश्रय लेकर भक्ति का आश्रय लेकर के शिष्य बनाते वो व्यष्टि गुरु है, तो फिर व्यष्टि गुरु तो विचाराधीन तत्व है। विचाराधीन तत्व होने पर भी सम्मान की दृष्टि से जो है वो समष्टि गुरु के समान ही है, क्योंकि आचार्य माम विदात्य नाम वर्णित कर दीचित। भगवान ने उद्धव जी को कहा कि आचार्यों को मेरा स्वरूप जानो, मेरा स्वरूप जान करके क्या करना है, मेरा स्वरूप जान करके उसकी सेवा करो। जब तुम उसकी सेवा करोगे वो सेवा डायरेक्ट मेरी सेवा है। हर जगह तो मैं नहीं पहुंच सकता हूँ, हर जगह तो मैं मूर्तिमान रूप में खड़ा नहीं रहूंगा सब जगह, किंतु मैंने इनको अपना प्रतिनिधि माना है। आप तुम इसके चरणों में जाओ, उनके आश्रय लेकर कि उनकी जब सेवा करोगे तो वो सीधी मेरी सेवा हो जाएगी। यहाँ तक की कंडीशन डाल दिया तो प्रथम तो गुरु मोहन, पहले मेरे प्रतिनिधि मेरे जो गुरु है पहले अपने गुरु की पूजा करो उसके बाद मेरी पूजा करो। इसलिए हमारे अर्चन इत्यादि में भी मंदिरों में सब जगह सबसे पहले गुरु अर्चन किया, गुरुदेव का अर्चन करके उसके बाद में ठाकुर जी का अर्चन किया जाता है। तो भगवान ने अपने से भी ज्यादा आगे कर दिया है गुरु जी को, गुरु जी पहले उसके बाद में, क्योंकि हमारे लिए सबसे निकटवर्ती यदि कोई है तो भगवान से ज्यादा निकटवर्ती गुरु जी है, और गुरु जी से भी निकटवर्ती यदि कोई हमारे पास है तो वैष्णव लोग है। इसीलिए वैष्णवों के लिए भी कहा कि वैष्णव मात्र ही गुरु है हमारे लिए, वैष्णव मात्र ही हमारे लिए गुरु, क्योंकि इन सभी वैष्णव जो है हमारे गुरु जी से भी हमारे पास गुरु जी सब समय जैसे यहाँ रहते हैं आप लोग, गुरु जी तो आपके पास में सब समय यहाँ नहीं रहते, साथ में गुरु जी सब समय सुनने का अवसर नहीं प्राप्त होता है, किंतु गुरु जी के जो साथ में रहते हैं उनकी जो गुरु भाई लोग हैं जो वैष्णव लोग हैं वो सब आपके साथ में सदैव रहते हैं, हमेशा रहते हैं। सबसे पहले वैष्णव उसके बाद में गुरु जी, गुरु जी के बाद में भगवान। इस प्रकार से गुरु सेवा जब वैष्णव सेवा शुरू होती वहीं से गुरु सेवा शुरू हो जाती है, वैष्णवों की सेवा, गुरु जी की सेवा और उसके बाद में भगवान की सेवा। वैष्णव की सेवा से गुरु जी की सेवा, गुरु जी की सेवा से भगवान की सेवा, भगवान की सेवा डायरेक्ट यदि हम करते भी हैं और यदि वैष्णव की सेवा या गुरु जी की सेवा यदि नहीं कर पाते हैं तो वो हमारा जो हमारा भगवान की सेवा इत्यादि करते हैं वो सब एक प्रकार का शुभ कर्म कर करके रह जाता है, केवल शुभ कर्म करके रह जाता है। उसका फल हमें जागतिक संसार के अंदर भी कुछ लौकिक सुख समृद्धि इत्यादि तो प्राप्त हो सकता है, किंतु भगवत प्रीति या आत्म कल्याण की आशा उस चीज से नहीं कर सकते। जब हम गुरु जी को वैष्णव को उनको माध्यम बना करके भगवान से अपना संबंध स्थापित कर देते हैं तब जाकर के हमारी जो सेवा है वो सेवा साक्षात भक्ति देव प्रति भक्ति मानी जाती है, नहीं तो वो एक प्रकार से शुभ कर्म ही केवल कर्म करके रह जाता है। संसारिक जैसे एकादशी का व्रत, हम लोग एकादशी का व्रत करते हैं, संसार में बहुत से दूसरे लोग भी एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी का व्रत दो प्रकार से किया जाता है, एक व्रत करते हैं भक्ति का अंग समझ करके भगवान की प्रीति के लिए किया जाता है, भगवान प्रसन्न होंगे इससे, और एक
जो एकादशी के महिमा शास्त्रों में गाई हुई है कि पुत्र की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, देव की प्राप्ति होगी, विविध प्रकार के जो आनुषंगिक फल बताए गए हैं, उससे प्रलोभित होकर उससे उसकी लालच में आकर के जब एकादशी की जाती है तो वो एकादशी भक्ति का अंग नहीं माना जाता है। तो वो भी एकादशी करता तो वो भी एकादशी है, किंतु वो भक्ति का अंग नहीं है, क्योंकि वहाँ भगवान से कोई संबंध ही नहीं हो उसका, इसलिए वो भक्ति का अंग नहीं माना जाएगा, वो केवल कर्म का अंग, शुभ कर्म का अंग माना जाता है। ऐसे यदि हम अर्चन कर रहे हैं या और कोई काम कर रहे हैं, यदि वहाँ हमारा गुरु जी के साथ के या भगवान के साथ के संबंध नहीं है तो वो भी एक प्रकार का शुभ कर्म ही बन जाता है। तो संबंध जानिए भजित भजित अभिमान, संबंध को जान करके, संबंध को मान करके, जान तो लिया साथियों से सुन लिया, वैष्णवों से सुन लिया, साथ साथ में संबंध को जानने के साथ साथ संबंध को मान करके, संबंध को मान करके ये मेरे और वो भगवान के, इस प्रकार से भगवान से हमारा संबंध से जुड़ जाता है। जब भगवान से संबंध जुड़ जाता है, गुरु जी से संबंध जुड़ जाता है, उसके बाद में जो किया जाता है वो तो सब कुछ भक्ति का अंग माना जाता है, सब कुछ भक्ति मानी जाती है। अन्यथा जो कुछ भी होता है वो केवल मात्र शुभ कर्म बन करके रह जाता है। तो हम तो घर छोड़ करके आए हैं, साधु संघ में आए हैं, तो जो कुछ भी सुन करके आए, भक्ति की महिमा सुन करके आए, भक्ति का अनुष्ठान करने के लिए, भक्ति को प्राप्त करने के लिए, गुरु वैष्णव की कृपा प्राप्त करने के लिए आए, तो सबसे बड़ी बात होती है कि हमें भगवान से संबंध, हमारे भगवान के साथ संबंध होना जरूरी है। और भगवान के साथ संबंध यदि कोई करने वाला है तो इस जगत में केवल मात्र गुरु है, केवल मात्र गुरु है, गुरु से ही हमारा भगवान के साथ संबंध होता है। संबंध जहाँ नहीं होता है वहाँ कभी प्रीति उत्पन्न नहीं होती है, वहाँ वास्तविक सेवा नहीं होती, निस्वार्थ सेवा नहीं होती, स्वार्थ की सेवा तो हो सकती है, निस्वार्थ सेवा नहीं होती। जैसे कोई व्यक्ति अपने बेटे को खिलाता पिलाता है, उसका ध्यान रखता है, बीमार पड़ता है, वहाँ वो एक संबंध मान के चलता है, संबंध मानता है। बच्चे तो और भी बहुत सारे हैं समाज में, बहुत सारे बच्चे हैं और दुखी भी है बहुत सारे बच्चे, किंतु उनकी सेवा करने तो नहीं जाते, उनका तो ध्यान रखने कोई नहीं जाता। अच्छा, बच्चे की बात छोड़ दो, घर में ये आजकल जो कुत्ता पालते हैं, कुत्ता, उस कुत्ते को ध्यान रखते हैं, उसके लिए अच्छे अच्छे बिस्किट ले आते हैं, वो बीमार पड़ जाए डॉक्टर के पास ले जाते हैं उसका, क्योंकि कुत्ते तो शहर में बहुत घूम रहे हैं, किंतु दूसरे कुत्ते को रोटी डालने नहीं जाता, उसे पकड़ा दूसरे को रोटी डालने भी नहीं जाता है, उसको खाना नहीं देता है, क्योंकि इससे उसने संबंध मान लिया, उससे उसने अपनी प्रीति स्थापित कर ली। संबंध के माध्यम से गुरु जी हमारा संबंध भगवान से स्थापित करते हैं और उनसे हमारी प्रीति स्थापित करते हैं। हमारा प्रीति का ये दरवाजा है, प्रीति का रास्ता है, भगवान से प्रीति करने का, भगवान से संबंध जोड़ने का रास्ता है, माध्यम है गुरु जी। इसलिए भगवान ने कहा कि भैया देखो, इसको मेरा ही स्वरूप जानो। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई हम जैसे खाते पीते, हम जैसे रोते बैठते, हमें ठंड लगती है, हमें भूख प्यास लगती, हमें बीमारी आती है, उसी प्रकार से वो भी तो आती है, गुरु जी को भी तो आती है। आप लोग गुरु जी को भगवान की तरह मानने के लिए कहते हो, बात यह है कि यहाँ किसी व्यक्ति विशेष को हम भगवान बनाना नहीं चाहते, व्यक्ति विशेष को भगवान बनाने के लिए नहीं सिखाते, हम भगवान के आदेश को पालन करते हैं। जैसे हमें महाराज जी से कुछ कुछ चीज चाहिए तो सबसे पहले तो हमारा कर्तव्य बनता है महाराज जी को हम संतुष्ट करें, उनको असंतुष्ट करके तो कर नहीं सकते, उनके आदेश को पालन करना पड़ेगा, उसको संतुष्ट करना पड़ेगा। जब उनको संतुष्ट करेंगे, उनके आदेश पालन करेंगे, उनसे हमें जो चीज चाहिए वो मिल जाएगी। ऐसे हमें इस जगत में आप देखिए कर्म फल का दाता कौन है, कर्म फल के दाता एकमात्र कृष्ण है, एकमात्र भगवान है ना। तो यदि हमें अपने कर्मों का फल चाहिए, या हमें पाप कर्मों से छुटकारा चाहिए, या हमें भक्ति चाहिए, उनके चरणों में प्रेम चाहिए, जो कुछ भी चाहिए उससे भगवान से जब हमें चाहिए तो भगवान की बात को मानना पड़ेगा। और भगवान ने स्वयं बोला आचार्य माम विदायम, तुमको तो मेरा स्वरूप जानो। अब भगवान कहते हैं मेरा स्वरूप जानो, वहाँ पर उस श्लोक में विधिलिंग कहता है, विधिलिंग का प्रयोग किया है, संस्कृत में विधिलिंग का प्रयोग वहाँ होता है जब विधि का निर्देश होता है, और जहाँ जहाँ विधि का निर्देश होता है वहाँ अन्यथा होने पर अन्यथा प्रत्यवाय होगे, अन्य उसका यदि हम अन्य आचरण करेंगे तो वहाँ पर प्रत्यवाय होता है। जैसे दूसरा कोई व्रत करते हैं कोई लोग, तो वो छोड़ भी देते हैं, उसको दोष नहीं लगता, किंतु एकादशी व्रत यदि नहीं करते हैं, एकादशी व्रत को महाप्रत्यवाय होता है, तो एकादशी की विधि है,
शास्त्रों में एकादशी के लिए विधि बताई गई है। उसी प्रकार जहां जहां विधि का प्रयोग किया गया है, जहां जहां विधि बताई गई है कि गुरु जी को मेरा स्वरूप जानो आचार्य अन्य करोगे तुम इसके विपरीत करोगे नहीं मानोगे तुम्हें प्रत्यवाय होगा उसका फल होना। इसलिए गुरु जी के चरणों में आश्रय लेकर के गुरु जी को भगवान का प्रतिनिधि मान करके भगवान गुरु जी की सेवा को साक्षात भगवान की सेवा मान करके ही सेवा करना है। उसमें हम अपनी बुद्धि लगाएंगे कि हमें सब लगती वैसे उनको लगती है, हम कपड़ा पहनते उनको पहनते, हमें कभी कभी गुस्सा आता उनको भी गुस्सा आता है, वो गुरु भाई के साथ झगड़ते हम गुरु भाई के साथ झगड़ते वो भी झगड़ते, हमारे भीतर में जो कुछ भी है वो सारा हम उनके अंदर से देख लेते खोज लेते क्या क्या दुर्गुण हमारे अंदर में वो सारे उनके अंदर है कि नहीं हम खोज लेते। खोजने की बात बोले अरे ऐसे थोड़ी दूर होते ऐसा नहीं, आपने जिनके चरणों में आश्रय लिया है आश्रय लेने से पहले आपने देखा है कि सब संप्रदाय भक्त एक वैष्णव है, श्रेष्ठ वैष्णव है जो हमें शास्त्रों की बातों को समझा करके सिखा करके हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं, हमें भगवान के साथ में जोड़ सकते हैं। तो जब हमें वो भगवान के साथ जोड़ सकते हैं तो शास्त्र कहते हैं भगवान कहते हैं उसको तुम मेरा स्वरूप जान कर मेरा स्वरूप जान के उससे तुम मुझे प्राप्त करो। कैसे मुझे प्राप्त करो बोले मंत्र रूप से प्राप्त करो भगवान और भगवान के नाम नाम नामी अभिन्न नाम नामी ये तो हम सब लोग बोलते हैं भगवान का नाम और भगवान स्वरूप अभिन्न एक ही है कि नहीं। तो भगवान से जो मंत्र हमें मिला है जो गुरु जी से मंत्र मिलता है उस मंत्र में से आप नाम निकालो क्या बचेगा उसमें। आपको जो कृष्ण मंत्र मिला है उसमें भगवान के जितने नाम है उसको माइनस में तो हटा दो क्या बचेगा उसमें। वो नाम ही प्राण है और नाम रूप में भगवान मंत्र रूप में भगवान ही मिला है, मंत्र के रूप में भगवान को ही दिया है। इसीलिए जीव गोस्वामी ने एक बात कही है कि वैसे दीक्षा की आवश्यकता क्या है बोले कलयुग में जीव का स्वभाव भी कदर्यता आ जाती है, बहुत ही विकृत है जीवों का जो स्वभाव है उसमें बहुत कदर्यता आ जाती है। उस कदर्यता को दूर करने के लिए हमें भगवान नाम के साथ में कुछ नम स्वाहा इत्यादि और इत्यादि जोड़ करके जो मंत्र बनाकर ऋषियों ने जिसकी सिद्धि करी है उसे विशेष मंत्र की आवश्यकता है। उस मंत्र को जब जब करेंगे तो हमारे मंत्र जो है मंत्र पर उसका प्रभाव पड़ेगा उससे उसकी कदर्यता दूर होगी। और वो मंत्र जो है क्या है वो मंत्र स्वयं भगवत भगवान उस मंत्र के अंदर में जीव को समझ कहते हैं साक्षात कृष्ण बुद्धि रखनी चाहिए। मंत्र मिल गया इसलिए कृष्ण मिल गए। इसीलिए हमारे यहाँ जब कोई दीक्षित व्यक्ति मंत्र को जप करता होता है तो मंत्र को धारण करता है धारणी करने बैठते हैं ना उस समय में जो अधीक्षित व्यक्ति होता है वो प्रणाम भी करता है तो पांव छू के प्रणाम नहीं करता उसे स्पर्श नहीं करता उसको दूर से प्रणाम करता है। उस साक्षात मंत्र को धारण किया इसे किया जब करने के टाइम तो कहते मंत्र को स्वयं भगवत स्वरूप माना जाता है, मंत्र को स्वयं भगवत स्वरूप माना जाता है। वो मंत्र हमें मिला इसका मतलब हमने ठाकुर जी दे दिया अब हम उस ठाकुर जी को अपने हृदय में धारण करेंगे और उनकी सेवा करेंगे गुरु जी की सेवा उससे हमारी मंत्र में जो भगवान के प्रति जो अनुराग भगवान के प्रति प्रेम है श्रद्धा है वो हमारी दिन 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 बढ़ती जाती है। इस प्रकार से गुरु जो है गुरु को इस जगत के अंदर में भगवान का प्रतिनिधि मान करके भगवान उनकी सेवा को साक्षात भगवान की सेवा मान करके ही उनके साथ में गुप्त रहना चाहिए। यदि हम उस प्रकार से चल पाएंगे तब तो हमारा साधन भजन में जो बाधाएं आती जाएगी वो धीरे 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 दूर होती जाएगी और नहीं तो धीरे धीरे हमारे भीतर में उनके प्रति प्राकृत बुद्धि मिल जाएंगे वो प्राकृत बुद्धि से हमारा करा धरा सब कुछ जो है वहीं के वहीं हो जाएगा जहाँ से वही भी बोल देता है। गुरु साक्षात हमारे यहाँ गुरु जी को साक्षात भगवान का ही स्वरूप माना है इसलिए माना गया है। गुरु की सेवा भगवान की सेवा गुरु की सेवा मतलब भगवान की ही सेवा है भगवान की सेवा हो गई कहते हैं भगवान की सेवा करने वाले का सिद्धि होगा या नहीं होगा इस पर संदेह है किंतु गुरु जी की सेवा वैष्णव की सेवा करने वाले की जो सिद्धि होगी कि नहीं होगी उसमें सब कोई संदेह नहीं वो उसकी अवश्य सिद्धि होगी अवश्य कल्याण होगा। गुरु मतलब वैष्णव श्रेष्ठ गुरु मतलब वैष्णव श्रेष्ठ भगवान की इसलिए आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि
सब संप्रदाय के अंदर में भी विशेष जो शास्त्रों के अंदर में जितना विशेष प्रवेश है बहुत अच्छे से जीवन ने समझा है और जीवन भर जिन्होंने महाप्रभु की वाणी का प्रचार करते हुए अपना जीवन दिया। ऐसे चर्चा तो नहीं करना चाहिए किंतु हम देख रहे हैं कि आपकी जो गुरुजी है श्रीमान कृष्ण महाराज उनके अंदर भी ये सारी चीजें है उन्होंने ये सारी चीजें वो हम अभी से नहीं देख रहे हैं शुरू से देख रहे हैं करीब 30-35 साल अपने ध्यान देख सकते हो गया है तो शुरू से ही इसी प्रकार से भगवान की कथा और भगवान की कथा में और शिवा को शुरू से लगे थे शुरू से लगे थे किसी प्रकार की कोई मतलब बुद्धि में कोई भेद न नहीं रखना चाहिए और कृष्णा पहुँचे अपने गुरु जी की सेवा में अपने जी के साथ सेवा करते रहना चाहिए। ये वास्तविक पुष्पांजलि है अपने मन को देना ही पुष्पांजलि है गुरु जी के चरणों में अपने मन को देना ही पुष्पांजलि है। पुष्प का एक नाम और है पुष्प का एक नाम है सुमन 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 मतलब फूल फूल मन क्या कभी भी भगवान के मन को तो निकाल करके कपड़ा तो है नहीं कोई जो निकाल करके तो मन के रूप में पुष्प को देते हैं मन को ही बना देते पुष्प देना मन को ही उनके चरणों में देना है यही बात है पुष्पा जरूरी है। जब हमने मन को भगवान गुरु जी के चरणों में दे देंगे समर्पण कर देंगे तो हमारी पुष्पांजलि होगी मन नहीं किया बाकी तुम्हें जितने भी चढ़ा दिए वो पुष्पांजलि मन देना मतलब सुमन देना पुष्प देना मतलब सुमन देना अपने मन को सुधार करके स्वस्थ मतलब बढ़िया बना मन को स्वस्थ बना करके उस गुरु जी के चरणों में देना यही है पुष्पांजलि बात है। हरे कृष्ण पंचार बस सुंदर हमारे अंदर अनुभव रखना शास्त्र करना बुझे कि पर गुरु का आवश्यकता जैसा अनुभव करे आपस में ज्ञान दिया तथा बोले भगवान का बारी जो प्रतिदिन मान भगवान मैंने हम पर पहुँचे हम अपनी नया स्थिति भगवत प्राप्ति का मार्ग देखने समान गुरु को आकर जो मैंने भगवान का नीचे जन आचार्य द्वारा बड़ सुंदर भावना करी भगवान से भी पूरी जगत को कृष्ण मन जगत को समस्ती दिन से किंतु व्यक्ति गुरु से व्यक्तिगत भाव से आचार्य द्वारा आसुच्चे गुरु तत्व गोटे मन सब भगवान के प्रतिनिधि किंतु गुरु सेवाटा अत्यंत सेवा तक वाणी को पालन कर प्रकार सुस्थ मन को वंदे गुरु निश्चयतः शक्ति कृष्ण चैतन्य संयोगाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभवोत्तरीयस्य गौरवाणी प्रचाराय धनसंकल्पम् कृष्णशक्ति स्वरूपाय शक्ति प्रदाय नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती आजान लंबित भुजौ कनकावतारक संकीर्तनै कवितरौ कमला विश्वंबर निजमर युगधर्म पाल वंदे जगत प्रिय करो करुणाकर राधा रस श्री रम्य परमात्म परत्मिका रस भवा कृष्णकंथ कृष्ण भक्ष्य स्थल स्थित वृंद
ताई तुलसी देवी प्यारी के समस्त कृष्ण भक्त देवी सत्यवती नमः नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासं तत जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 दुख प्राप्त होवा द्वारा
कौन हम ना सुख अनुसंधान कर जदि कृष्ण कहीं शास्त्र में वर्णना कराई जे मायादेवी जो कष्ट प्रदान कर जीव मान को ये कष्ट प्रदान कर भूल कर भूल कौन ना कृष्ण को भूली जा कृष्ण भूल कि कौन कर भोगवासन लिप्त होती भोग करने इच्छा प्रकाश कर कृष्ण को भूली जाती मायादेवी दुख प्रदान कर तो कृष्ण मायादेवी भी मतलब सृष्टि करपर कौन कले जो देखिले जीव मान समस्त दुख कष्ट प्राप्त होते जी कृष्ण होंगे करुणामय से दुख कष्ट को अवलोकन कलापर तर हृदय विगलित हृदय द्रवीभूत हो कौन है ना गोटे स्वरूप प्रकाश जो स्वरूप की हूँ गुरुदेव जीव मान दुख दुर्दशा को अवलोकन कर कृष्ण गोटे स्वरूप प्रकाश कले से स्वरूप हूँ गुरुदेव जी जीव मान दुख को लाघव करने जगत को आस प्रथम दुख को लाघव करेंगे तापर से जीव को नहीं से अगर भूलकुर गोल को नहीं कृष्ण जो कृष्ण कौन कले ना स्वयं गुरु रूप से कृष्ण गुरु रूप हम शास्त्र प्रमाण कृष्ण जो गुरु रूप से आसते शास्त्र प्रमाण रही कौन पाई आसे ना दुख दूर करें प्रथम दुख दूर कर जगत समस्त दुखी कृष्ण दुखालय अशाश्वत निम प्राप्त भविष्य कहे संसार दुखालय दुखालय तुम्हें सुख प्राप्त जो हाँ चाह ते कौन कर ना मोर भजन कर किंतु जो कहले कौन ना मोर भजन कर दे द्वारा कौन हम ना तुम जो मोर भजन कर जो दुखालय दुख प्राप्त हो से दुखटा तुमको मिलना ना तुम्हें सदा सर्वदा नित्य आनंद प्राप्त हो गीतार तो कृष्ण कहीदे कि चैतन्य चलता मतरे कृष्णदास सुबेरा कृष्ण कहते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन माया जाल छुटे पाए कृष्ण चरण कृष्ण को कहले जे तुम्हें मोर भजन कर ताद्वारा कौन हम ना तुम जो दुखालय दुख प्राप्त हो दुख प्राप्त होना तुम्हें सदा सर्वदा सुखी हो कि संपूर्ण रूप खोलिकी किसी कहले ना से परवर्त समय कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कौन ना ताते कृष्ण भजन कर गुरु सेवा माया जाल छोटे पाए कृष्ण तो कृष्ण गोटे जाल खेल जगत कौन से माया जाल जो प्रकार आचार्य मैंने वैष्णव मान कहते जो जन जाल पकड़ जाल पकड़ा द्वारा से जाल पकड़े कौन पाए ना मत्स्य धारण कर किंतु जो शरणागति हो जाए मैंने से माछ गुड़ कौन करे ना जो माछ मैंने तार पाद पाख को पड़ी आसती जो मैंने तार शरणागत हो जाती से जाल कि जो मैंने शरणागत नई जो मैं पाख को न आसिक दूर थाए से जो सी जालटा पकई जाल द्वारा से तार मृत्युवरण हुए कहतापर्य हूँ
कृष्ण को जानते हैं जो गोटा से माया जाने तो जो मैंने ताकर शरणागत हो जाती कृष्ण को शरणागत हो जाती से मन से माया जाने पड़ने लगे अब दुख प्रश्न को प्राप्त हो गए जो प्रकार जो माछ जी माछ धरे पे जाए थे ताकर जो से मन शरणागत हो जाती अर्थात तुम पाप को चले सकते तले कौन हो ना से मन मध्य मरण देने सही प्रकार कृष्णदास कबीरा कृष्ण कहते कौन ना ताते कृष्ण भजे करे गुरु र सेवा माया जाल छोटे पाए कृष्ण का अनुसार कृष्ण को भजन तो करिब कृष्ण को कहले मोर भजन करिब तात्य रजस्व मा किंतु ता संगे संगे कौन पढ़े दरकार ना गुरु र सेवा गुरु को सेवा करवा सहित कृष्ण को सेवा सिद्धांत प्रभात महाराज कहले हरि गुरु कृष्ण में सेवा करते करते मंगल हे हरि कर गुरु कर कृष्ण को सेवा करो करो जीव प्रकृत मंगल साध सत्ता प्रकृत मंगल हो जाए सिद्धांत कृष्ण कृष्णदास कबीरा गोस्वामी के बाणी अनुसार जो गुरु सेवा होती पहले मैंने गुरु का सेवा करने सहित कृष्ण का सेवा ताते कृष्ण भजन करे गुरु का सेवन माया जाल छोटे पाए कृष्ण का सेवन सत्य का जाए कौन हो ना सत्य का जाए से माया जाल रो उधार करे जो माया देवी ऐंगो कृष्ण को ना पूछो जब से गुरु का सेवा करे ये कृष्ण का भजन करे सत्य का माया देवी कौन करे ना ताँगो जाल रो मुक्त करे तादारा से सुख प्राप्त हो पाए नित्य आनंद प्राप्त हो पाए किंतु गुरु को सेवा तो दुई प्रकार रही गोटे हूँ बकु सेवा आ गए पाणी सेवा बकु सेवार अर्थ हूँ शरीर तैल मतन करवा कि रोसे कर नवा रोग व्याधि सेवा करवा सब गुरुदेव बकु सेवा रही वाणी सेवा कौन ना वाणी सेवा हूँ जहाँ कि गुरु परंपरा मध्यम आचार्य मैंने गुरुदेव समस्त जहाँ प्रदान कर जो पूर्व प्रभु समस्त वर्णना कले गुरु हूँ गोटे तत्व समस्त भिन्न भिन्न गुरु बोल कहूँ कि सब गुरु गोटे मत कहीं से गुरु परंपरार गुरु तत्व एक बोली कहुपाई से वाणी कृष्ण वाणी जहाँकि कृष्ण हमें चतुर्मुख मैंने कृष्ण जो वाणीटा प्रदान कले ब्रह्माजी आज नारद महाराज कहते एक प्रकार गुरु परंपरा मध्यम जहाँ गढ़ी गढ़ी आसा हूँ गुरुवाणी से वाणी को पालन करवा शिष्यर प्रकृत कर्तव्य से वाणी पालन करने द्वारा से प्रहलाद महाराज कहले मही असा पाद रजति से निश्चित जनानंद जाग मती न कृष्ण भरत सकर्वा गृह प्रत्येक गृह कथा कहले कौन ना जनकर मती से चेष्टा कले निजे चेष्टा कले कृष्ण के चरण लगे कि कहीं कहवा द्वारा कहीं कहते जे तुम कृष्ण को भोजन कर से भोजन करना कि निजे चेष्टा कले मतीटा जो आम मन कृष्ण को चरण में लगे ना कृष्ण को कहले मन भक्त मजा अच्छी मात्र वस्तु कितु आम इच्छा हो ना कृष्ण को चरण से कृष्ण को भोजन करने इच्छा प्रकाश होना जब चेष्टा कले निजे चेष्टा कले हो कि अन्य कहीं कहवा द्वारा कृष्ण को चरण में मती लगुना से प्रहलाद महाराज कहते मत कृष्ण।